अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, अलग अस्तर वस्त्र आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो जी, मैं और मेरा बड़ा भाई गुलाम अकबर कहाँ गए थे और क्या हुआ, और भाई मेरे पंजाब जाने की कब तैयारी है, और भी इस तारा पर कौन इतनी गंदी बातें कर रहा है उसको मैंने बोला, और मेरे भाई और मेरे दोस्त के साथ जान लेने का हमला किया गया, तो अल्लाह ने उसे बचाया, ये सब मैंने डिटेल बताई है। तो आइए व्लॉग देखिए और कुछ बातें भी हैं ज़रूर देखिएगा, आइए मेरा व्लॉग देखिए। अच्छा जी, इस टाइम ना मैं वसीम और बड़ा भाई जा रहे हैं आस्थाने पर आए हुए हैं। कितने दिन हो गए, अभी हम चक्कर नहीं लगाया, तो आज चक्कर लगाते हैं, बड़े भाई को घुमाते हैं बाहर। भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? चलो यार बाहर घूमते झूमते हैं, ठीक घूमते। और मैं और बड़ा भाई जा रहे हैं मेरे पास आए हुए, तो घूमते थोड़ा सा बाहर, भी हवा वगैरह लगवाते हैं, कोई दिमाग फ्रेश करते हैं। ये है लेके दो। चलो जी भाई से लेते हैं, वसीम ये वसीम को भी लेके जा रहे हैं। तो वसीम घूम लिया कर, चले घर, वसीम चले घर की तरफ। तो हमने वसीम को घुमा लिया, तो अब बड़ा भाई आ रहा है, चलते हैं भाई, चले घूम लिया, दोस्त को भी मिल लिया। चलो जी भाई को ले आए थे अपने दोस्त के पास, उसे मिले, थोड़ा तफरी की भाई की, थोड़ा मैंने बोला घुमाते फिराते हैं भाई को। चलो भाई चले चलते हैं। अच्छा भैया, इस टाइम हम आए हुए हैं शॉप पर मैं और बाबर, अभी इसकी सफाई सफाई करनी पड़ती है दो दिन तीन दिन के बाद, तो वो हमने आई फिर सफाई सफाई की, और उसके बाद फिर अभी यहाँ करीबी दोस्तों से मिलते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, ये पुरानी दोस्त है हमारे, और ये जो हम आए शॉप खोली और ये आराम से बैठ गए कि भैया हमने जाना नहीं है भैया आप लोगों ने, क्योंकि ये चिकन शिकन खाती थी बेचारी, तो ये बहुत उदास है हमारे बगैर बाबर के बाइक पर बैठी हुई है कि आप जाना नहीं हमें छोड़कर। अच्छा ये देखो अभी ना बाबर आपको ये जाने नहीं देगी, भी पुरानी दोस्त है अभी, हाँ याद कर रही है तो अब आपके जगह नहीं, ये ही जगह देगी जाने के लिए, ये कहती है फिर चिकन खिलाओ बाद में जाने दोगे। चलो भाई हमने घर भी जाना है भाई, हाँ। तो ये छोड़ नहीं रही भाई, आपको बोलती है चिकन खिलाओ फिर जाने दो। चलो भाई साहब, तो जी मैंने तैयारी कर ली पंजाब की, और ये देखे कुछ ऐसे ही कमरे का सेट अभी है, सामान बांध के रख लिया, बैग शैग तैयार हैं, और ये भी हमजा वालों का ये आज पहुंचाना है मैंने डिनर सेट, वो जब से पंजाब से लेके आए थे वो नहीं ले गए, तो आज भाई उनका सामान भी उन्हें वापस करना है। तो ये बच्चे भी बाकी मेरे मेहमान दो मर चुके हैं, तो दुआ करें ये बच जाएं, तो बस यही रूटीन है। चलो भाई, तो व्लॉग छोटा सा था, कुछ बातें थी आप लोगों के साथ करनी थी, जो वो बातें शेयर करता हूँ, उसके बाद भी थोड़ा सा व्लॉग है, थोड़ा सा जो है ना बातें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये जो सितारा बेटी अपना आसमान का चैनल बनाया, कुछ बंदे हैं जिन्हें तकलीफ़ है, चुल मची हुई है, भी ऐसा होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था, वो डायरेक्टर एक्टर खुद बन रहे हैं, समझ नहीं आ रही, भी वो जो बंदा काम करता है उसी को सौंपो, उसी का जा काम है, उसी का चैनल है भाई, तो बीच में जब तक एतराज़ ना करे कोई दुनिया, तो फिर उसे मज़ा नहीं आता। तो जी एक अपनी मोहतरम है इंडिया की, वो जो शबनम साहब, वो उसे बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, एक तो वो सितारा बेटी का नाम पिटारा लेती है, तो जहाँ जब से भी वो दोनों बहनें जब उसके बाप को गाली देते हो या माँ को देते हो आप लोग, तो फिर वो किसको जाके लगती है, ये अच्छा रहे, ये नहीं कर रहे कि आप यानी सितारा को गाली दे रहे हो और सलमा को नहीं लगेगी, उसका बाप है वो, माने ना माने लेकिन है तो बाप, तो माँ बाप का इसमें कोई बीच में कसूर नहीं है। दूसरी बात है कि आपने बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ कहे, कोठे वाली ये वो, तो शायद आपकी तरबियत ख़राब है या पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि भाई तुम्हारी तरबियत ख़राब है या कुछ तुम्हारा कोई ख़ानदान ख़राब है जो ऐसी बातें करती है उस तारा बेटी के लिए, तो ज़रा बंदा अपने आप बंदा तहमीज़ कर लेता है किसी को, जब वो आपको छेड़ भी नहीं रही
तो ये सलमा सपोर्टर आके क्यों छेड़ते हैं, क्यों उल्टा नाम लेते हैं? जब हमारी तरफ से ऐसे कोई बात नहीं हो रही, हमारे सपोर्टर या हमारे चाहने वाले आप लोगों को कोई बुरा भला नहीं कह रहे, तो ये सलमा साइड वाला जो है ना, वो क्यों इस तारा का उल्टा पुल्टा नाम लिए जा रहे हैं? और भाई बहुत सारे गंद बकते हैं, तो ये सब जो करवा रही है ना, सलमा ही करवा रही है। तो अपने जो सपोर्टर है अपना, उसके अपने सपोर्टरों को सलमा साहब रोको, नहीं तो फिर वही पुरानी कहानी आएगी, फिर गाली गलौज होगी, यहाँ से भी होगी वहाँ से भी होगी। तो फिर आप ये वाईटी जो है ना, अपने व्लॉग और अच्छी चीज़ें देखने के लिए, ऐसी नहीं है कि किसी की गिला गोबत करते करते गुजर जाए और भाई फिर वाईटी ये जो है ना चीज़ें अच्छी नहीं समझती। जब मैं कोई बात करता हूँ, बात सच्चाई की करता हूँ, तो फिर भी ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो कोई बात नहीं भाई, हर किसी का अपना माइंड है, अपनी बात है। मेरी माइंड में जो बात आएगी मैं वो रखूँगा अपने चैनल पर, तो मैंने तो वो करनी होती है, अभी जो सच बात हो मैं करता हूँ। अच्छा भाई, तो दूसरी बात है, अभी मेरा एक प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा सिंगर है हमारे लोगो ज़ुबान का, अहमद नवाज छीना, उन पर उसके अपनों ही नहीं, जो उस रात दिन उसके साथ उठते बैठते और खाते पीते थे और सब खर्चा भी वही उठाता था, तो उन्होंने ही उसका इतना हशर किया, मारा पीटा, उस पर हमला किया। वो बेचारा दिखा रहा था सर पर और पीछे पीठ पर और सीने पर, उसको बहुत चोटें, अस्पताल में दाखिल है, मतलब अपनी तरफ से उन लोगों ने मार दिया था, लेकिन अल्लाह ने चाहे उसकी जान बच गई है। तो मैं उसके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उसे भाई जल्द तंदुरुस्त करे, और भाई उस दुश्मनों को जो है ना अल्लाह ताला हिदायत दे भी, एकदम जब एक साथ खाना पीना और सब कुछ, और उसके बाद जो है इस एक इंसान को मार देना, तो वो भी उस इंसान को जो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाता है और अच्छे अच्छे गज़लें, बहुत अच्छा सिंगर है हमारा, हमारी लोगो ज़बान का है, तो भाई उसको जान लेने का जो है ना आप लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत गलत किया। दोस्तों में वो अगर ऊंच नीच हो जाए तो फिर बातें भी कर सकता है इंसान, दूसरे को गिला शिकवा भी कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी की जान ले लें हम, तो जान लेना हमारे बस में नहीं है, ये सब मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी मौत उसी ने दी हुई है। तो इतना किसी पर नफरत ना करें, किसी की जान लेने की कोशिश करें। तो उसका बयान था भी मेरे को ना, समझो कि वो अपनी तरफ से मार चुके थे, लेकिन पता नहीं उनमें कुछ रहम आया कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अभी वो हॉस्पिटल में है। तो मैं दुआ गोऊँ और आप भी सब दुआ करें उसके लिए, वो अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द ठीक कर दे, और भी जान बच गई उसकी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कल का बहुत अफसोस है, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, एक तरफ जो है ना यहाँ से लेके ये उल्टी साइड जो रही है, मुझे दर्द है, पूरी रात मैं नहीं सो सका क्योंकि यहाँ पर बहुत दर्द है शदीद, शुगर भी की वजह से या कोई वैसे कुछ अजीब सा दर्द उठा है। तो खैर, ये तो दुनिया का मेला है, लगा रहेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो बस अल्लाह ही जाने, क्या होना है किसी के साथ सब अल्लाह को पता है। इंसान तो बस खिलौना है, चाबी पर चाबी भरी हुई है, चल रहा है, जब चाबी ख़त्म होगी तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। ये हैं कि फेंकियाँ बिल्डिंगें ये वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, गाड़ियाँ महल कुछ नहीं रहना, अल्लाह का नाम रहना है। तो बस यही कहना था, और भाई मेरी आजकल पंजाब भी तैयारी है, क्योंकि वसीम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, और इसके वह कहता है भी मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, पंजाब पढ़ूँगा, पता नहीं ये क्या कर रहा है मेरे साथ, कभी बोलता है यहाँ तो कभी वहाँ, तो उसका कहना भी मानना पड़ता है भाई, मजबूरी है, क्या कहें, बस अपनी औलाद हो तो इंसान मार भी सकता है, उसे पीट भी सकता है, कुछ कर सकता है, बस इसे प्यार से समझाता हूँ, जो चीज़ समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बस ज़बरदस्ती तो किसी के साथ इंसान नहीं कर सकता ना। तो खैर, जो नसीब मेरे में लिखा हुआ मुझे मिल रहा है, तो बस यही रिक्वेस्ट थी कि आप सलमा साहब अपने सपोर्टरों को रोकें कि उसका नाम उल्टा पुल्टा और ये गंदे लफ्ज़ों से ना पुकारें तो अच्छा होगा। तो वो अपना काम कर रही है, अपने चैनल पर कर रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही, तो अपनी YouTube फैमिली को अच्छी चीज़ें दिखा रही है और अच्छे मैसेज दे रही है। तो आप अपनी तरफ से जो है ना अपने सपोर्टरों को रोकें कि गलत नाम ना पुकारें, और भाई
गलत गलत रोज़ वीडियोस बनाना और रात को लाइफें करना, गलत नाम पुकारना, इस तारा को ये उसके बच्चों को उसको अम्मी को टारगेट करना ठीक नहीं है। कुछ भी हो वो भी तेरे बाप की औलाद है, बाप की कब्र को तो देख लो, अब छोड़ दो ये चीज़ें तो बेहतर होगा, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बेहतर होगा। अभी बहुत हो चुका, पूरा साल से अभी ऊपर हो गया है, अब आपकी हवस और भाई उसको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप मेहरबानी करें, अपने सपोर्टरों को रोकें, लगाम दें उसे। तो इसी के साथ मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो भाई आज मैंने सामान भी पहुँचाना है, तो भी जब गाड़ी आएगी उस पर ट्रेलर पर सामान रखना है, उस पर के बाद मेरी वाइफ और मैं और वसीम तो जाएंगे इस बस पर। तो बस दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करें। मेरी वाइफ की तबीयत भी सही नहीं रह रही आजकल, क्योंकि उसने जब का अम्मी का सुना है वो परेशान है। तो खैर आज की रूटीन यही थी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे भी अच्छे कमेंट्स, लाइक, शेयर और भी सब्सक्राइब कर देना। दिल करे तो, ना दिल करे तो आपकी मर्ज़ी है, भी हम कह कुछ नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़। तो मेरे वो दोस्त और मेरे भाई जो है ना, उसे जान लेना जिसके साथ हमला हुआ है, उसके लिए ज़रूर दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।